नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप इस वीडियो में आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम मक्की की रोटी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो चूल्हा ऑन चाहिए, जिसमें आप आग जला सकें और उसकी आग से इसको पका सकें। और साथ में सबसे पहले मक्की का आटा होना चाहिए। मक्की जो होती है, पहाड़ी में इसको छल्ली भी कहा जाता है, और मक्की तो आपने खाई होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइव में हम कैसे मक्की की रोटी बनाते हैं। मक्की के लिए सबसे पहले मक्की का आटा चाहिए। तो ये मक्की का आटा है, कुछ रोटी मैंने बनाई हुई है, तो ये रोटी मैं आप ही के सामने बनाऊँगा अब। तो सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पानी चाहिए, साथ में आटे को सबसे पहले हम मलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर इसको ऐसे करना है। और इसको फिर ऐसे डाल देते हैं, और ये हमारी रोटी पक गई है, ये आप देख सकते हैं। और फिर इसको पलटते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि मक्की की रोटी कैसे बनाई गई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको एक और रोटी बताऊंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को बंद करूंगा। तो दोस्तों मक्की की रोटी के साथ हमेशा लस्सी या सरसों का साग ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मक्की दी रोटी होवे सरसों का साग होवे यही मक्की दी शान है। तो दोस्तों अब एक रोटी और बनाएंगे। अब ध्यान से देखना कि आटे को अच्छी तरह से मलना है, उसके बाद करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि रोटी कैसे बनाई जाती है और कैसे बनाई गई। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि कैसे, क्योंकि दोस्तों मक्की की रोटी जो बनाना है हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। सबसे पहले तो हम अब रोटी को ऊपर भी ध्यान रखना है, चारों तरफ ध्यान रखना है कि हमारी रोटी जल ना जाए। तो दोस्तों रोटी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर कच्ची रह जाए तो आप इसको फिर से पका सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद जय भारत।